हेलो, गुड इवनिंग। आजकल काफ़ी संस्थाओं में बिना टेस्ट के नौकरी मिल रही है, यानी बिना रिटन टेस्ट के, केवल इंटरव्यू के आधार पर कुछ संस्थाओं में वैकेंसी काफ़ी निकाली हैं। इसी प्रकार आज बैंक ऑफ इंडिया में, यानी BOI, बैंक ऑफ इंडिया में वैकेंसी निकाली हैं, जो कि परीक्षा नहीं होगा उनका, इंटरव्यू ही इंटरव्यू होगा। तो उसके बारे में पूरा जानकारी मैं आपको बताऊंगा। यदि आप इस वीडियो में नए हैं और आप पहली बार देख रहे हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब करते हुए लाइक करें तथा साथियों को जरूर बताएं। चलो, अब का समय नष्ट न करते हुए, ये है बैंक ऑफ इंडिया, जो कि सरकारी नौकरी है। बैंक ऑफ इंडिया में स्पोर्ट्समैन रिक्रूटमेंट 2020, जो कि ग्रेजुएशन जो पास हैं, यानी BA BSc किया हुआ है और 10वीं पास हैं, उन सब के लिए ये नौकरी है। इसके साथ इसमें जो इच्छुक उम्मीदवार हैं और इसमें आप बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी करना चाहते हैं, तो इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर इसका पूरा विवरण दिया हुआ है, वहाँ से ही पढ़ सकते हैं। और इसका जो उम्मीदवार का चयन, उम्मीदवार का पेमेंट की बात करते हैं, तो पेमेंट बहुत अच्छा है। 42,020 रुपये प्रति महीने तक वेतन प्राप्त करने के हकदार होंगे। इस भर्ती के लिए 10वीं पास और ग्रेजुएशन आवेदन कर सकते हैं। अभी बात करते हैं पदों के विवरण और वेतन के बारे में। ऑफिसर्स के लिए 14 पद और 23,700 से लेकर के 42,020 रुपये तक पेमेंट होगा। क्लर्क के लिए बात करते हैं तो सेम पद हैं 14, और पेमेंट है 11,765 से लेकर के 31,540 रुपये प्रति माह। अभी योग्यता तो मैं ऑलरेडी बताया हुआ, फिर भी एक बार बता देता हूँ आपको। ऑफिसर के पद पर आवेदन कर रहे युवाओं के पास मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की डिग्री का होना अनिवार्य है। एक साथ में ABC कैटेगरी में स्पोर्ट इवेंट या चैंपियन होना जरूरी है। क्लर्क पद के लिए अभ्यर्थी के पास 10वीं पास सर्टिफिकेट और D कैटेगरी में स्पोर्टिंग इवेंट चैंपियनशिप होना जरूरी है, यानी स्पोर्ट्समैन हैं आप तो आप पक्का आपका नौकरी है। इस भर्ती के लिए 18 साल से लेकर 25 वर्ष तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आयु की जो गिनती है वो 1 जुलाई 2020 के आधार पर की जाएगी। बहुत अच्छी बात है, आपको आयु भी इसी जो अगस्त के महीने में गिनती हो रही है आपकी। अभी पदों का विवरण इस प्रकार है कि आर्च जो स्पोर्ट्समैन है उसको हर स्पोर्ट के आधार पर वैकेंसी हैं। आर्चरी अफसर के लिए 2 वैकेंसी हैं, क्लर्क के लिए 2, एथलेटिक के लिए भी 2-2, बॉक्सिंग 2-2, जिमनास्टिक क्लर्क के लिए 2, स्विमिंग के लिए 2-2, टेबल टेनिस अफसर 2, वेट लिफ्टिंग 2-2 और रेस्लिंग 2-2, यानी टोटल वैकेंसी हैं 28, 14-14। अभी जो आवेदन शुल्क SC ST PWD वर्ग के उम्मीदवार को 50 रुपया जमा करना होगा, जबकि अन्य सभी वर्गों के लिए 200 रुपये चुकाने होंगे। आपका भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग द्वारा कर सकते हैं। इसकी ज़्यादा जानकारी आप उसके जो ऑफिशियल वेबसाइट है bankofindia.co.in पर जाकर के भी आप अपना आवेदन भर सकते हैं। ये आवेदन की जो डेट है, लास्ट डेट 16 तारीख रखी गई है, इसमें आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये था बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पूरी जानकारी। यदि आप और ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो आप जरूर से लें। इसका एक बार फिर बता देता हूँ, जो इसका रजिस्ट्रेशन का जो एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट है 16 तारीख है। क्लोजर फॉर एंडिंग एप्लीकेशन डिटेल्स सेम 16 तारीख। लास्ट डेट ऑफ प्रिंटिंग योर एप्लीकेशन 31 अगस्त। और ऑनलाइन फीस पेमेंट है 1/8/2000 से लेकर के 16/8/2000 तक। यह है इसका पूरा विवरण। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसमें ज़रूर ट्राई करेंगे एक बार और इसमें सक्सेस होने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ में थैंक यू, बाय बाय।